बांदा में किसानों ने जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि धान की खरीदी को लेकर नवीन मंडी बबेरू के व्यापारी किसानों का शोषण कर रहे हैं। 62 किलोग्राम की तोल पर 60 किलो का ही भुगतान दिया जा रहा है। नकदी पेमेंट करने पर व्यापारी 2% की TDS कटौती करते हैं। व्यापारियों की मनमानी के चलते किसानों ने बबेरू तहसील परिसर पर विरोध प्रदर्शन किया और SDM को ज्ञापन सौंपा। बासमती धान की बिक्री की समस्या है, कंटिन्यू 3 साल से ये चल रही है। अभी विगत 1 माह पूर्व 19 तारीख को किसान और व्यापारियों की बैठक उप जिलाधिकारी महोदय की मध्यस्थता में हुई थी। चूँकि उस समय धान का खरीद नहीं चल रही थी, तो ये था कि ये जो विसंगतियाँ हर वर्ष आती हैं, किसानों के साथ ठगी की जाती है, ये ना हो। जो भी हमारा 8 सूत्री समझौता हुआ था, वो व्यापारी किसी भी तरह मानने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरी में हम लोग फिर SDM साहब को सूचित करने आए हैं कि आपके द्वारा जो फैसला किया गया था वो किसान तो मान रहे हैं, व्यापारी मानने के लिए तैयार नहीं। व्यापारियों को द्वारा क्या किया गया है? व्यापारी 62 किलो की तौल करते हैं, 50 रुपया प्रति हजार में काट रहे हैं और 2% का TDS ले रहे हैं। खरीदारी चल रही है कि बंद? नहीं, खरीदारी ये क्या करते क्या है, ये एक किसान के शोषण का नया तरीका ईजाद किए हैं कि देखते हैं जब भीड़ ज्यादा आ जाती है तो कह देते हैं हम हड़ताल में हैं। अब किसान बेचारा आता है, किराए का ट्रैक्टर लेके आता है, आधे पौने दामों में उसकी मजबूरी हो जाती है बेचना। तो ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है किसानों को ठगने के लिए। देखिए, किसानों के साथ जिस तरह के उत्पीड़न किया जा रहा है, हमारी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए बबीरू मंडी के व्यवसायी व्यापारीगण पूरी तरह से उतारू है। सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं किया जा रहा। जब मर्जी होती तो उन्होंने दुकान खोल देना, जब मर्जी होती बंद कर देना। जब किसान इकट्ठा हो जाता है तो उन्होंने कहा खरीद नहीं करेंगे। ये कहाँ का नियम है? पहली बात तो ये पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है, हमारे उप जिलाधिकारी महोदय का उल्लंघन हो रहा है, शासन का उल्लंघन हो रहा है। कल जिस तरह की हम लोगों की आपसी सहमति, किसान नेता, किसान और अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी सभी लोग मिल करके बनी थी कि 61 किलो की खरीद की जाएगी और 60 किलो का पैसा दिया जाएगा। हमारे जाने के बाद तत्काल ही नियम बदल दिया गया, फिर से वही 62 किलो में तब्दील कर दिया गया। आज किसान पूरी तरह से चौराहे को जाम करने के लिए लगातार हम संपर्क में रहा, हम लोगों ने उन्हें मनाया, पथाया, समझाया। और यदि किसानों के साथ इसी तरह का छलावा कंटिन्यू चलता रहेगा तो निश्चित तौर पे हम लोग उनको जंजीरों से बांध नहीं सकते। और किसान हित के लिए यदि कोई कदम उठाना पड़ेगा तो मुकदमा तो दूर की बात है, ये तो होते रहता है, चलते रहता है। हम लोगों के साथ में जो भी कदम उठा, गहरा से गहरा कदम उठाना पड़ेगा। तो किसान मर रहा है, यहाँ आत्महत्या कर रहा है, लेकिन ये लोग मौज काटेंगे, ऐसा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेशन मिरर के लिए बांदा से साकेत अवस्थी की रिपोर्ट।